नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा आपके स्क्रीन पर। यह हैं देश की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। 2014 से पहले अक्सर इस तरह से ये सिलेंडर के साथ बैठती थीं और उस वक्त की सरकार को कटघरे में रखती थीं। 2014 से पहले अक्सर ये महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी, मगर 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। इनके अंदर जो एक क्रांतिकारी सोच थी वो हमेशा के लिए मर गई। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कांग्रेस की एक नेता नेटा डिसूजा ने इन्हें एक प्लेन के अंदर घेरा और तेल के बढ़ते दामों के बारे में सवाल किया। स्मृति ईरानी ने बहुत ही सहज और शांत अंदाज में उनके सवालों का जवाब दिया। मगर मैं आपको आज यह भी बतलाऊंगा कि आज से कई साल पहले की बात है दोस्तों, किस तरह से जब एक न्यूज चैनल में मैं काम कर रहा था तब स्मृति ईरानी ने मुझ पर एक इंटरव्यू लेने के लिए, उन्हें कटघरे में रखने के लिए किस तरह से टारगेट किया था। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की उस नेता ने स्मृति ईरानी को किस तरह से कटघरे में रखा। ये वीडियो देखिए दोस्तों। हैप्पी बिहू विदाउट स्टोव्स, विदाउट गैस, विद इंक्रीज वेट। प्लीज डोंट लाई। ओ, वी आर लाइंग गैस। नो, यू आर मैडम, यू आर मिसअप्रोप्रिएट। नो, इट इज गिविंग द वर्ल्ड। नो प्रॉब्लम, यू हैव टू लेट एवरीबॉडी नो। यस, लेट एवरीबॉडी नो। यस, व्हाई इज द रेट, व्हाई इज लाइक मैम, व्हाई इज द रेट्स ऑफ गैस? 20 करोड़ पीपल आर गेटिंग नो फ्री फॉर 25। नो, सो डज दैट मीन डिलीवर्ड बाय स्टेट? Does that mean that the rates of gas? Lovely, if I am not accosted. No one is being accosted. Without my permission. Oh my God! When you are in a position, you are a minister. Everybody. I'm answering, ma'am. Everybody. 1.83 billion. कांग्रेस के इस नेता नेटा डिसूजा के इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मोदी सरकार के जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं और उनके तमाम जो गोदी पत्रकार हैं वो अचानक बोलने लग गए कि अरे, स्मृति ईरानी की जान को खतरा, स्मृति जी को ऐसे टारगेट नहीं किया जा सकता, ऐसे कोई कैसे सवाल पूछ सकता है, आप ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सकते, किसी को अधिकार नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये सवाल पूछे गए थे एक प्लेन के अंदर। नेटा डिसूजा एक कांग्रेस की नेता है और जाहिर सी बात है, आपने खुद देखा, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की और वो सवाल पूछ रही थी। खबर सिर्फ ये नहीं कि नेटा डिसूजा ने कैसे उन्हें कटघरे में रखकर सवाल किया, नहीं, खबर यहां पर ये है कि फिर मानो एक इशारे पर तमाम जो न्यूज एंकर्स, पत्रकार जो हैं, वो लगातार टारगेट करने लगे कांग्रेस की उस नेता को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। अरे भाई, अगर तुम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पर रोज चर्चाएं की होती, 17-18 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, इन तमाम जहरीले न्यूज चैनल्स पर क्या आप कभी इन मुद्दों पर डिबेट्स देखते हैं? नहीं, कभी नहीं देखते हैं आप। मगर अगर तुम लोगों ने ये मुद्दों पर इस सरकार से सवाल किया होता तब किसी कांग्रेस के नेता को ऐसा स्टंट करने की क्या जरूरत थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। उस महिला नेत्री ने बहुत ही शालीन अंदाज में सवाल किए और स्मृति जी ने भी बहुत ही सहज अंदाज में जवाब दिए, कोई बदतमीजी कहीं नहीं दिखाई दे रही। अब ये न्यूज चैनल के एंकर्स क्या चाहते हैं कि उस कांग्रेस के नेता पर रासुका लगा दिया जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाए? ये तस्वीर याद है जब कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को कटघरे में रखा था उसके जहरीले कार्यक्रमों के लिए। कुणाल कामरा पर काफी हद तक, काफी दिनों तक एयरलाइंस में सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और यहां पर भी कुणाल कामरा ने किसी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया था। वो सिर्फ सवाल पूछ रहा था एक ऐसे आदमी से जो अपने प्राइम टाइम में अनाप शनाप मुद्दे कवर करता है, जहरीले कार्यक्रम करता है और उससे सवाल होना चाहिए। मगर आपने देखा कि स्मृति जी से जैसे ही उस कांग्रेस नेता ने सवाल किया, तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर्स और पत्रकार थे वो काम पर लग गए।
मगर मेरी शिकायत है कांग्रेस की उस नेता से, आपको स्मृति ईरानी से सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर सवाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं। मैं आपको याद दिला दूं, महिलाओं पर जब भी कोई जघन्य अपराध हुआ है ये मोहतरमा हमेशा खामोश रही हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने जब एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया, स्मृति ईरानी खामोश थी। स्वामी चिन्मयानंद के वीडियोज आए थे यौन उत्पीड़न के सामने, ये मोहतरमा खामोश थी। हाथरस में रातों रात एक गुड़िया का शव जला दिया गया, पूरा प्रशासन जो है उसके परिवार पर अत्याचार कर रहा था, मगर ये मोहतरमा खामोश थी। ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए, हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं को बेवजह टारगेट किया जा रहा था, मगर इनके मुंह से औपचारिकता के नाते एकाध कुछ शब्द निकला होगा। मुझे खुशी होती नेटा अगर आप इन मुद्दों पर स्मृति ईरानी को कटघरे में रखती। मगर आज मैं आपको एक और चीज बतलाने वाला हूं दोस्तों। कुछ सालों पहले की बात है जब मैं एक न्यूज चैनल में काम करता था। ये वो दौर था जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी। आधे घंटे का मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, आपके स्क्रीन पर ये इंटरव्यू चल रहा है, ये मैंने उनसे इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे कुछ कठिन सवाल किए, इंटरव्यू खत्म हुआ। उसके बाद अगले दिन स्मृति ईरानी ने मेरे संपादक से यह शिकायत की कि अभिसार शर्मा ने मेरे साथ बदतमीजी की। ऑफिस के अंदर खलबली मच गई, लोग ये कहने लगे कि भाई अभिसार ने क्या बदतमीजी की स्मृति ईरानी के साथ। तब वो जो आधे घंटे का इंटरव्यू था दोस्तों, उस आधे घंटे के इंटरव्यू को 5 महिलाओं को दिखाया गया, क्योंकि वो संस्था महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों के बारे में खासा गंभीर था। तो 5 महिलाएं बैठी उस संस्था की और उन्होंने ध्यान से उस इंटरव्यू को देखा। पूरा इंटरव्यू देखने के बाद उन 5 महिलाओं ने कहा कि भाई इसमें अभिसार ने कहां बदतमीजी की, अभिसार सिर्फ अपने अंदाज में सवाल पूछ रहा था। तो मेरे जो संपादक थे उन्होंने फिर स्मृति ईरानी से बात की कि स्मृति जी क्या बदतमीजी की अभिसार ने आपके साथ। आप जानते हैं स्मृति ने क्या कहा? स्मृति ने कहा कि जब मैं सवालों के जवाब दे रही थी तो अभिसार मेरे सवालों के जवाब में मुस्कुरा रहा था। मेरे मुस्कुराने पर इन्होंने शिकायत कर दी थी मेरे संपादक को। मैं चाहूंगा आप उस इंटरव्यू को देखें, एक बहुत ही रहस्यमय चीज भी हुई थी। मैंने वो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू की खासी चर्चा हुई, मगर बहुत रहस्यमय कारणों से मेरी उस संस्था ने उस इंटरव्यू को YouTube पर नहीं डाला और उस इंटरव्यू को दोबारा भी नहीं दिखाया। किसका दबाव था मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं चाहूंगा आप उस इंटरव्यू की एक छोटी सी झलक देखें, क्योंकि वो इंटरव्यू गलती से किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड करके YouTube पर डाल दिया। मैं चाहूंगा आप उसकी एक छोटी सी झलक देखें कि मैं किस तरह से स्मृति ईरानी का इंटरव्यू कर रहा था। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप ईबीवी के प्रवक्ता नहीं तो प्रवक्ता और पत्रकार का फर्क जानिए। मुद्दे पर आइए, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, कम से कम कंप्लेंट की विश्वसनीयता पर गौर करें आप। उन पर गौर किया जा रहा है, उनकी बातों पर गौर किया जा रहा है। राग दोबारा अलापे बिल्कुल नहीं। अभिसार जी मैं आपको आज चुनौती देती हूँ, मैं आपको चुनौती देती हूँ अभिसार जी। आज मेरे पास पत्र है सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो किसी ना किसी शैक्षिक संस्थान से संबंधित है। मैं अगर वो पत्र आपको दिखा दूँ तो क्या पत्रकारिता से त्याग दे देंगे? पत्रकारिता की त्याग कहाँ से आ गई इसमें बात? पर आप इतना बौखला क्यों गई स्मृति ईरानी कि आप पत्रकारिता के त्याग तक पहुंच गई है? मैं सवाल आपसे, अगर आप मुझे चुनौती देते हैं मेरी इंटेग्रिटी पर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो देखा आपने, इतनी सेंसिटिव है स्मृति जी, इन्हें कोई कटघरे में रखे तो इस तरह से हरकत करती हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या स्मृति ईरानी और इस सरकार के मंत्रियों से सवाल नहीं होना चाहिए? और अगर कोई सवाल कर दे तो इतना बड़ा गुनाह?
इतनी बड़ी एलर्जी है मैडम को सवालों पर। मैं आपको बतला चुका हूं इन्होंने मेरे साथ क्या किया था, किस तरह का दबाव इन्होंने मेरी उस संस्था पर बनाया था। इनकी और भी ढेरों कहानियां हैं मेरे पास दोस्तों, आज नहीं किसी और दिन मैं बताऊंगा आपको किसी दिन कि किस तरह से इन्होंने मेरी संस्था और मेरे काम पर लगातार दबाव बनाया, मगर फिर वो एक गलत व्यक्ति से पंगा ले रही थी, वो व्यक्ति जो बेबाकी से सवाल करता है। बोल, केला बाजार है तेरे।